और इसका जैसे आजकल जो पूरा मामला नैप को पहुंच चुका है, नैप का कॉग्निजेंस ले चुकी है और आजकल ये नए साहब अदालत में सुझाया हाउसिंग स्कीम के नाम से इस करप्शन स्कैंडल का बहुत बड़ा चर्चा है। नैप तहकीकात के दौरान ये कंफर्म हुआ कि एयरफोर्स के जंगी ड्यूज और शोधा के अना चिबानी के नाम पर शुरू किए गए इस मंसूबे पर 13 अरब रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है और तकरीबन 13 अरब रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 8,400 हाउसिंग यूनिट में से सिर्फ 30 यूनिट्स पीएफ के शोधा के हवाले किए गए हैं और ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, बहुत ही मिसकैलकुलेशन हुई है। पीएफ के ऑफिसर जो कि इस मामले में इस स्कीम के साथ इन्वॉल्व हुए थे, जिन्होंने इनके 5,000 लोगों को उसका नाम दिया था, शायद उनको इसका अंदाजा नहीं हुआ या जो कुछ भी है। बहरहाल ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो जाइए, हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह 2015 में हुआ था, जिसके तहत 50% प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स पीएफ के ऑफिसर्स के लिए रखे गए थे, जबकि दीगर 50% सुनने के लिए मुख्तस किए गए थे। इस प्रोजेक्ट का आगाज 2 कंपनियों के इश्तराक से हुआ था, जिनमें मुहैया तौर पर पीएफ का डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजेक्ट्स और मैक्सिम प्रॉपर्टीज और मार्केटिंग शामिल थी। मैक्सिम कंपनी के सिविल अलॉटी से लेन देन की जिम्मेदारी थी। कुरानदाजी के बाद प्रोजेक्ट ने 6,000 से ज्यादा अलॉटीज ने बुकिंग कराई। अब तक अलॉटीज ने 1,000,000 रुपए की सरमाएकारी कर रखी है। जमीन पर दिसंबर 2017 से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, ना कोई रोड बनी, ना कोई पानी बिछाने की लाइन जाई, ना बिजली की कोई एक्टिविटी हुई है। वैसा का वैसे ही पिछले 2 साल से मामला खड़ा हुआ है, मगर इसके बाद भी 1.5 साल तक अलॉटीज से किस्तें जारी होती रहीं, ये हाउसिंग स्कीम अलॉटीज से किस्तें रहती रहीं और फिर ये मुतासर है अलॉटीज बेकाबू हो गए। शदीद इख्तियार के बाद नैब ने तकरीबन 1.5 माह कबल इस स्कैंडल की तहकीकात का आगाज किया। 2 माह कबल कराची में फिजाइया हाउसिंग स्कीम के मरकजी दफ्तर के बाहर मुतासर अलॉटीज ने एहतजाज किया और अपनी रकम की वापसी का भरपूर मुतालबा किया।